आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। आज मैं आप सब लोगों के लिए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का बहुचर्चित उपन्यास लेके आई हूँ, जिसका शीर्षक है विराज बहू। भारतीय, विशेषतया हिंदू समाज में नारी कितनी निरीह, दयनीय और अपमानजनक जीवन जीती रही है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है शरद चंद्र जी का लिखा हुआ ये उपन्यास विराज बहू, जिसकी नायिका विराज गरीबी की तमाम यातनाएं भोगते हुए अपने रूढ़िवादी पति के प्रति समर्पिता होने के साथ साथ स्वाभिमानिनी भी है। नारी के इसी चारित्रिक गुण को उजागर करने वाला ये उपन्यास शरद चंद्र जी ने सन 1914 में लिखा था। आशा करती हूँ इसका पहला भाग आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों और जानकारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसके पहले भाग की शुरुआत करते हैं। नीलांबर और पीताम्बर नाम के दो भाई हुगली ज़िले के सप्तग्राम में रहते थे। मुर्दे जलाने, कीर्तन करने, ढोल बजाने और गांजा पीने में नीलांबर जैसा आदमी उस ओर और कोई नहीं था। उसके लंबे और गोरे बदन में असाधारण शक्ति थी। परोपकार करने के लिए वो गांव में जितना मशहूर था, अपने गंवारूपन के लिए उतना ही बदनाम भी था। किंतु छोटा भाई बिल्कुल दूसरी तरह का आदमी था। वो था दुबला पतला और नाटे कद का। किसी के घर मरने की खबर सुनते ही शाम के बाद उसका शरीर कुछ अजीब सा होने लगता था। वो अपने भाई जैसा मूर्ख नहीं था और गंवारूपन को पास भी नहीं फटकने देता था। तड़के ही खा पी कर बगल में बस्ता दबाकर घर से बाहर निकल जाता और हुगली की कचहरी के पश्चिम की तरफ एक आम के पेड़ के नीचे आसन जमा देता। दरख्वास्तें लिखकर पूरे दिन में जो कुछ कमाता उसे शाम होते ही घर आकर बक्से में बंद कर देता था। रात को भी बार बार उसकी जांच कराकर ही सोता था। चंडी मंडप के एक ओर बैठा हुआ नीलांबर आज सवेरे तमाखू पी रहा था। इसी समय उसकी अविवाहित बहन धीरे से आकर उसके पीछे घुटने टेक कर बैठ गई और उसकी पीठ में मुंह छिपाकर रोने लगी। हुक्का नीलांबर ने दीवार के सहारे रख दिया और एक हाथ अंदाज से बहन के सिर पर रखकर प्यार से कहा, सवेरे सवेरे रो क्यों रही है बहन? हरिमती ने मुंह रगड़कर भाई की पीठ पर आंसू पोत कर कहा, भाभी ने मेरे गाल मल दिए और कानी कहकर गाली दी है। नीलांबर हंसने लगा, वाह, तुम्हें कानी कहती है? ऐसी सुंदर दो आंखें रहने पर भी जो कानी कहे वही कानी है, परंतु तुम्हारा गाल क्यों मल दिया? हरिमती ने रोते रोते कहा, ऐसे ही। ऐसे ही, चलो पूछूं तो, कहकर हरिमती का हाथ पकड़े नीलांबर अंदर गए और पुकारा, विराज बहू। बड़ी बहू का नाम है व्रजरानी। 9 साल की उम्र में ही उसकी शादी हुई थी, तब से सभी उसे विराज बहू कहते हैं। अब उसकी उम्र 19-20 साल की होगी। सास के मरने के बाद से इस घर की मालकिन वही है। व्रजरानी बहुत ही सुंदर है। 4-5 साल पहले उसे एक लड़का हुआ था जो 2-4 दिन बाद ही मर गया। तब से वो निसंतान है। वो रसोई बना रही थी, पति की आवाज़ सुनकर बाहर निकली और भाई बहन को एक साथ देखकर जल उठी। कहा, मुँह झोंसी, उल्टे शिकायत करने आ गई। नीलांबर ने कहा, क्यों न करें, तुमने झूठ मूठ ही इसे कानी कह दिया, किंतु इसका गाल क्यों मल दिया? विराज ने कहा, इतनी बड़ी हो गई और सोकर उठी तो ना मुंह धोया ना कपड़ा बदला और जाकर बछड़ा खोलकर मुंह बाए खड़ी खड़ी देखती रही। एक बूंद भी दूध आज नहीं मिला। इसने तो मार खाने का काम किया है। नीलांबर ने कहा, नहीं, दूध लाने के लिए दासी को भेज देना चाहिए। अच्छा बहन, तुमने बछड़ा क्यों खोला? ये तो तुम्हारा काम नहीं है। भाई के पीछे ही खड़ी हरिमती ने धीरे से कहा, मैंने समझा कि दूध दुहा जा चुका है। फिर कभी ऐसा समझा तो दुरुस्त कर दूंगी, कहकर विराज चौके में जाने लगी कि नीलांबर ने हंसते हुए कहा, इस अवस्था में एक दिन तुमने भी तो माँ का पाला हुआ तोता उड़ा दिया था। ये समझकर कि पिंजरे का तोता उड़ नहीं सकता है, तुमने पिंजरे की खिड़की खोल दी थी, याद है ना? वो खड़ी हो गई, हंसकर कहा, याद है, किंतु तब मैं इतनी बड़ी नहीं थी, इससे तो छोटी थी, और कहकर वो काम करने चली गई। हरिमती ने कहा, चलो दादा, बगीचे में चलकर देखें कि आम पक रहे हैं या नहीं। नीलांबर ने कहा, अच्छा बाबा चल।
तब तक नौकर ने अंदर आकर कहा, नारायण बाबा बैठे हैं। नीलांबर झेप गया, धीरे से कहा, अभी से आकर बैठ गए? विराज ने सुन लिया, जल्दी से बाहर आई और चिल्लाकर कहा, बाबा से कह दे चले जाए। फिर पति को लक्ष्य करके कहा, सवेरे ही से ये सब पीना अगर तुमने शुरू कर दिया तो मैं सिर पटक कर प्राण दे दूंगी। क्या कर रहे हो आजकल ये सब? नीलांबर कुछ नहीं बोले, बहन का हाथ पकड़कर चुपचाप बगीचे में चले गए। बगीचे में एक तरफ किसी मृत प्राय जीव की अंतिम सांस की तरह सरस्वती नदी की पतली धारा बहती थी, उसमें सेवार भर पानी पड़ा था। बीच बीच में पानी के लिए गाँव वालों ने कुओं की तरह गड्ढे खोद रखे थे। उसके आसपास सेवार से भरा हुआ छिछला पानी था। तेज धूप के कारण स्वच्छ पानी के भीतर से वहाँ की जमीन पर ढेरों सीप और घोंगे मणियों की तरह चमक रहे थे। बहुत दिनों पहले बरसात के पानी के तेज बहाव के कारण पास ही के समाधि स्तूप की दीवार से एक काला पत्थर टूटकर वहाँ जा गिरा था। रोज शाम को उस घर की बहुएं उस मृत आत्मा के लिए एक चिराग जलाकर उसी पत्थर के एक सिरे पर रख जाती हैं। बहन का हाथ पकड़े हुए नीलांबर उसी पत्थर पर एक ओर आकर बैठ गया। नदी के दोनों किनारों पर आम के घने बाग और बसबारियां थीं। वहां बरगद और पीपल के दो एक पुराने पेड़ थे जिनकी शाखाएं पानी की सतह पर लटकी हुई थीं। न मालूम कब से कितनी ही चिड़ियों ने इन डालियों पर अपना घोंसला बनाया होगा और अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया होगा। न मालूम कितने पक्षियों ने इन पेड़ों के फल खाए होंगे और गीत गाए होंगे। इन्हीं वृक्षों की छाया में दोनों भाई बहन कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। हरिमती ने सहसा अपने भाई की गोद में और नज़दीक खिसक कर पूछा, दादा भाभी तुम्हें बोष्टम ठाकुर कहकर क्यों बुलाती हैं? नीलांबर ने अपने गले की तुलसी माला दिखलाते हुए हंसकर कहा, मैं बोष्टम हूँ इसीलिए बोष्टम ठाकुर कहती हैं। हरिमती को विश्वास नहीं हुआ, बोली, वाह तुम बोष्टम क्यों हो? बोष्टम तो भीख मांगते हैं। अच्छा दादा वो भीख क्यों मांगते हैं? नीलांबर ने कहा, उनके पास कुछ नहीं रहता है इसलिए भीख मांगते हैं। हरिमती ने भाई की ओर देखते हुए कहा, बगीचा तालाब धान रखने के लिए घर बार कुछ भी उनके पास नहीं रहता। नीलांबर ने बड़े प्यार से बहन के सिर के बाल जरा हिला दिए, कहा, कुछ भी नहीं, बोष्टम होकर अपने पास कुछ नहीं रखना चाहिए। हरिमती ने पूछा, तो सब मिलकर थोड़ा थोड़ा उन्हें क्यों नहीं दे देते? नीलांबर ने कहा, तुम्हारे दादा ने ही क्या दिया है? हरिमती ने कहा, तो देते क्यों नहीं दादा, हम लोगों के पास तो बहुत कुछ है। नीलांबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा दादा तो कभी नहीं दे सकता है, किंतु तुम जब राजा की बहू बनो तो दे देना। छोटी होने पर भी ये बात सुनकर हरिमती शर्मा गई, अपने भाई की छाती में मुंह छिपाकर बोली, जाओ दादा। दोनों हाथों से उसे चिपटाकर नीलांबर ने उसका माथा चूम लिया। मातृ पितृहीना उस छोटी बच्ची को वो बहुत प्यार करता था। 7 साल पहले जब ये 3 साल की थी तभी इसकी विधवा माँ इसे बड़ी बहू और बेटे को सौंपकर चल बसी। नीलांबर ने ही पाल पोस कर उसे बड़ा किया है। आवश्यकता पड़ने पर नीलांबर ने गांव भर के रोगियों की सेवा की है, मुर्दे जलाए हैं, कीर्तन किया है और गांजा पिया है, किंतु माँ की अंतिम आज्ञा की अवहेलना उसने कभी नहीं की। ऐसे ही कलेजे से लगाकर उसने हरिमती का लालन पालन किया है। इसी से माँ की तरह अपने दादा की छाती में मुंह छिपाकर हरिमती चुप हो गई। तब तक पुरानी दासी ने पुकारा, पूटी आओ भाभी दूध पीने के लिए बुला रही हैं। पूटी यानी हरिमती ने सिर उठाकर विनती के स्वरों में कहा, कह दो ना दादा कि अभी मैं दूध नहीं पीऊंगी। क्यों बहन? हरिमती ने कहा, अभी मुझे बिल्कुल भूख नहीं मालूम हो रही। नीलांबर ने कहा, मैं तो मान जाऊंगा किंतु गाल मल देने वाली नहीं मानेगी। नौकरानी ने फिर आवाज दी, पूटी। नीलांबर ने बहन को झटपट खड़ा करके कहा, चली जा बहन कपड़े बदलकर जल्दी से दूध पिया, मैं यहीं हूं। मुंह लटकाकर हरिमती धीरे धीरे चली गई। उस दिन दोपहर को पति के आगे भोजन की थाली परोसकर विराज बहू कुछ हटकर बैठ गई और बोली, तो तुम ही बताओ कि भात के साथ कौन सी चीज़ तुम्हें रोज़ रोज़ परसा करूं? ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, वो भी नहीं खाऊंगा और आखिरकार मछली खाना भी छोड़ दिया। नीलांबर ने कहा, इतनी सारी तरकारी तो है ही। विराज ने कहा, इतनी सारी कहाँ है, घुमा फिराकर कभी ये और कभी वो।
बस इस साग पात से क्या मर्दों का खाना होता है? शहर तो ये है नहीं कि सभी चीज़ें मिल जाएं। बस यहाँ तो तालाब की मछली मिलती है और वो खाना तुमने छोड़ दिया। अरे पूटी कहाँ गई? चल पंखा जल। देखो थाली में अगर आज कुछ छूटा तो मैं सिर पटक कर प्राण दे दूंगी। नीलांबर हंसते हुए चुपचाप भोजन करते रहे, बोले नहीं। विराज झल्ला गई, हंसते हो? मेरे शरीर में आग लग जाती है, दिनों दिन तुम्हारी खुराक घटती जा रही है, कुछ पता है? देखो तो ज़रा, गले की हड्डी दिखाई देने लगी है। नीलांबर ने कहा, मैं सब कुछ देख चुका हूँ, बस तुम्हें वहम हो गया है। विराज ने कहा, वहम है? हो ही नहीं सकता। पता है, एक दाना भी तुम कम खाओ तो मैं बता सकती हूँ। रत्ती भर भी अगर रोग हो तो बदन पर हाथ रखते ही मैं पहचान सकती हूँ, कुछ पता है? पंखा रख कर जा तो पूटी, चौके में से अपने दादा के लिए पीने को दूध लेती आ। एक और खड़ी हरीमती भाई को पंखा झल रही थी, पंखा रख कर वो तुरंत दूध लेने चली गई। विराज फिर कहने लगी, देखो नेम धर्म करने के लिए बहुत दिन बाकी हैं। उस घर की मौसी आज आई थी, उन्होंने कहा कि इतनी छोटी उम्र में मछली खाना छोड़ देने से आँखों की जोत चली जाती है और देह की शक्ति कम हो जाती है। नाना ये नहीं होगा, पता नहीं अंत में क्या से क्या हो जाए, मैं तुम्हें मछली खाना नहीं छोड़ने दूंगी। नीलांबर हंसने लगे, बोले अच्छा अब मेरे बदले में तू ही खूब मछली खाया कर, सब ठीक हो जाएगा। विराज चिढ़ गई, भंगी चमारों की तरह फिर वही तूतकार। नीलांबर झेप गए, लज्जित होकर बोले, याद नहीं रहता विराज, बचपन की आदत है, नहीं छूटती। याद है कितनी बार मैंने तुम्हारा कान गर्म किया? विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, याद क्यों नहीं है, मुझे छोटी पाकर तुमने क्या कम अत्याचार किया है? बाबूजी और माँ की नज़र बचाकर तुम मुझसे कितनी चिलमें चढ़वाया करते थे, तुम क्या कम दुष्ट हो? नीलांबर ठहाका मारकर हंस पड़े, कहा, आज भी वो सब बातें मुझे याद हैं, किंतु तभी तो मैं तुम्हें प्यार भी करने लगा था। विराज ने हंसी दबाकर कहा, मालूम है, अब रहने दो, पोटी आ रही है। हरीमती ने दूध का कटोरा भाई की थाली के पास रख दिया और फिर पंखा झलने लगी। उठकर हाथ धोकर विराज फिर पति के पास आकर बैठ गई, कहा, पूटी पंखा मुझे दे दे, जा तू खेल। पूटी चली गई। विराज ने पंखा झलते झलते कहा, सच कहती हूँ, इतनी कम उम्र में शादी करना ठीक नहीं। नीलांबर ने पूछा, क्यों? मैं तो कहता हूँ कि लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में ही हो जानी चाहिए। विराज ने सिर हिलाकर कहा, नहीं मेरी बात कुछ और है, क्योंकि मैं तुम्हारे हाथ पड़ी थी। इसके अलावा मेरा कोई शरारती या दुष्ट ननद या जेठानी नहीं थी। मैं 10 साल की थी तभी मालकिन बन गई थी, किंतु औरों का घर भी मैं देखती हूँ। छोटी उम्र में ही जो बकझक और मारपीट शुरू हो जाती है वो बड़े होने पर भी कम नहीं होती। इसलिए तो अपनी पूटी की शादी की मैं बात ही नहीं चलाती। नहीं तो अभी परसों ही राजेश्वर तिल्ला के घोषाल बाबू के घर से पूटी की शादी के लिए एक घटकी आई थी। वो 1,000 नगद देंगे और लड़की जेवरों से लाद दी जाएगी। फिर भी मैं कहती हूँ कि नहीं, अभी 2 साल और रहने दो। नीलांबर ने विस्मित होकर सिर उठाकर कहा, रुपया लेकर क्या तुम लड़की बेचोगी? विराज ने कहा, रुपये क्यों नहीं लूँगी? मेरे घर में अगर कोई लड़का होता तो रुपया देकर हमें भी तो बहू लानी पड़ती ना। मुझे क्या तुम लोगों ने 300 रुपये देकर खरीदा नहीं था? देवर की शादी में क्या 500 रुपया नहीं देना पड़ा था? ना ना, इन सब बातों में तुम दखल मत दो, हम लोगों की जो रीति है वही करूँगी। नीलांबर ने और भी विस्मित होकर कहा, ये तुमसे किसने कहा कि हमारी रीति लड़की बेचना है? वो ठीक है कि लड़की वाले को हम देते हैं, किंतु अपनी लड़की की शादी में हम एक पैसा भी नहीं लेते। मैं पूटी का कन्यादान दूंगा। पति के चेहरे का भाव देखकर विराज हंस पड़ी, कहा, अच्छा अच्छा वही करना, अब खा लो, कोई बहाना करके उठ मत जाना। नीलांबर भी हंसने लगे, मैं क्या बहाना करके उठ जाता हूँ? विराज ने कहा, एक दिन भी नहीं, ऐसा आरोप तो तुम्हारे दुश्मन भी नहीं लगा सकेंगे। इसके लिए मुझे कितने दिन उपवास करना पड़ा है ये तो छोटी बहू जानती है। अरे ये क्या, बस खा लिया? पंखा फेंक कर विराज ने दूध का कटोरा जोर से पकड़कर कहा, मेरे सिर की कसम है तुमको, उठो मत, जल्दी जा पूटी, छोटू बहू से 2 संदेश तो मांग ला। ना ना, गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा, अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा है। मैया री, मैं कहती हूँ कि अगर उठ गए तो मैं खाना नहीं खाऊंगी।
कल रात को 1 बजे तक जागकर मैंने संदेश बनाए हैं। दौड़ती हुई हरीमती गई और एक तश्तरी में बहुत से संदेश लाकर नीलांबर के सामने रख दिए। नीलांबर ने हंसते हुए कहा, अच्छा बताओ, इतने संदेश क्या मैं अकेले खा सकता हूँ? तश्तरी की ओर देखकर विराज ने सिर झुकाकर कहा, बातचीत करते करते धीरे धीरे खाओ, खा सकोगे। नीलांबर ने कहा, तो खाना ही पड़ेगा क्या? विराज ने कहा, हाँ, अगर मछली खाना छोड़ दोगे तो ये चीज़ें कुछ अधिक मात्रा में खानी पड़ेंगी। तश्तरी करीब खींचकर नीलांबर ने कहा, तुम्हारे जुल्म के कारण तो जी चाहता है कि किसी वन में भाग जाऊं। पूटी रो पड़ी, दादा मुझे भी। विराज ने धमकाते हुए कहा, चुप रह कलमुही, खाएंगे नहीं तो कैसे जिंदा रहेंगे? ससुराल जाने पर तुझे इस शिकायत का पता चलेगा। करीब 1.5 महीने बाद, 5 दिनों के बाद आज सवेरे नीलांबर का बुखार टूटा। विराज ने स्वयं उसे साफ और धुले हुए कपड़े पहनाकर फर्श पर बिस्तर बिछाकर लिटा दिया। वहीं पड़ा पड़ा वो खिड़की के पास एक नारियल के पेड़ को देख रहा था। पास ही हरीमती धीरे धीरे हवा कर रही थी। कुछ देर बाद स्नान करके विराज भीगे बाल पीठ पर फैलाए और एक रेशमी साड़ी पहने हुए अंदर आई। सारा कमरा जैसे चमक उठा। नीलांबर ने उसकी ओर देखकर कहा, ये क्या है? विराज ने कहा, पंचानन बाबा की पूजा करनी थी, ज़रा पूजा का सामान भिजवा दूँ। ये कहकर पति के सिराहाने बैठकर उसने उसके माथे को स्पर्श करते हुए कहा, ना बुखार नहीं है। पता नहीं शीतला मैया के मन में इस साल क्या है, घर घर क्या हाल है। आज सवेरे ही सुना कि यहाँ के मोती मॉडल के लड़के की सारी देह में माता की कृपा हुई है, शरीर में तिल भर भी जगह बाकी नहीं रह गई है। नीलांबर ने उदास होकर पूछा, मोती के किस लड़के को शीतला निकली है? विराज ने कहा, बड़े लड़के को। शीतला माता गांव को शीतला करो माँ। ओह, उसकी यही लड़का तो कमाता धमाता है। पिछले शनिवार की रात के पिछले पहर में अचानक मेरी नींद टूट गई। तुम्हारे शरीर पर हाथ रखा तो लगा जैसे बदन जल रहा है। मारे डर के छाती का खून जम गया। उठकर बड़ी देर तक रोती रही। इसके बाद माँ शीतला से मनौती की कि जब ये अच्छे हो जाएं तो तुम्हें पूजा चढ़ाऊंगी और तभी अन्न जल स्पर्श करूंगी, नहीं तो जान दे दूंगी। कहते कहते विराज की आंखें छलछला आईं और 2 बूंद आंसू गिर पड़े। नीलांबर ने चकित होकर कहा, तुम उपवास कर रही हो? पूटी ने कहा, हाँ दादा, भाभी कुछ भी नहीं खाती, बस शाम को मुट्ठी भर कच्चा चावल चबाकर एक लोटा पानी पिया था, किसी का कहना नहीं मानती। नीलांबर ने बहुत असंतुष्ट होकर कहा, ये क्या तुम्हारा पागलपन नहीं है? साड़ी के छोर से अपने आंसू पोंछते हुए विराज ने कहा, पागलपन? असली पागलपन है। तुम अगर नारी होते तो जानते कि पति क्या चीज़ है, तब तुम जानते कि ऐसे दिनों में बुखार आने पर छाती के भीतर क्या होता है। कहकर वो जा रही थी कि रुककर फिर बोली, मेहरी पूजा करने जा रही है पूटी, अगर जाना चाहो तो जाओ, जल्दी नहा लो। पूटी उठ बैठी, प्रसन्नता से बोली, जाऊंगी भाभी। तो देर मत कर, जा देवता से अपने दादा के लिए ठीक से वरदान मांगना। पूटी जल्दी से चली गई। नीलांबर ने हंसते हुए पूछा, तुमसे ज़्यादा ठीक से वो मांग सकेगी? विराज ने हंसकर गर्दन हिलाते हुए कहा, ये मत कहो, भाई हो चाहे माँ बाप, परंतु स्त्रियों के प्रति पति से बढ़कर और कोई नहीं है। भाई या माँ बाप के न रहने से कुछ दुख अवश्य होता है, किंतु पति के न रहने पर तो सब कुछ चला जाता है। मैं ही आज 5 दिनों से बिना खाए पिए हूँ, किंतु चिंता और दुर्भाग्य के कारण कभी भी इसकी याद नहीं आई कि मैं उपवास कर रही हूँ। मगर बुलाओ तो ज़रा अपनी बहन को, देखूँ कैसे। नीलांबर ने जल्दी से बाधा देते हुए कहा, फिर? विराज ने कहा, तो कहते क्यों हो, पागलपन या जो कुछ भी मैंने किया है ये मैं ही जानती हूँ या देवता जानते हैं जिन्होंने मेरी ये प्रार्थना रखी है। यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो एक दिन मैं भी जिंदा नहीं रहती। मांग का सिंदूर धुलने से पहले ही मैं माथा फोड़ डालती। शुभ यात्रा में कोई मेरा मुंह नहीं देखता, शुभ कर्म में कोई मुझे बुलाकर कुछ पूछता नहीं। लोगों के सामने इन दोनों खाली हाथों को निकाल नहीं सकूंगी, लज्जा के कारण माथे से आंचल नहीं हटा सकूंगी। छी छी, इस तरह की जिंदगी भी क्या कोई जिंदगी है? जिस जमाने में लोग जलाकर मारते थे वही ठीक था, तभी पुरुष स्त्रियों के दुख तकलीफ को जानते समझते थे, अब नहीं समझते। नीलांबर ने कहा,
नहीं समझते तो जाकर समझा दो। विराज ने कहा, हाँ मैं समझा सकती हूँ, और मैं ही क्यों, तुम्हें पाकर जो खो देगी वही समझा सकेगी, अकेले की बिल मैं ही तो नहीं। छोड़ो भी, मैं भी ये सब क्या क्या बक किए जा रही हूँ, कहकर विराज हंस पड़ी। इसके बाद एक बार फिर झुककर पति की छाती और माथा छूकर पूछा, बदन में कहीं दर्द तो नहीं है? नीलांबर ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं। विराज ने कहा, तो चिंता की कोई बात नहीं, मुझे भूख लगी है, जाऊं कुछ बनाने की तैयारी करूं। सच कहती हूं, आज कोई मेरा एक हाथ भी काट दे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। तभी यदु नौकर ने बाहर से आवाज़ दी, माँ जी, वैद्य जी को बुलाकर लाना होगा। नीलांबर ने कहा, ना ना अभी कोई काम नहीं। फिर भी मालकिन की आज्ञा के लिए नौकर खड़ा रहा। ये देखकर विराज ने कहा, अच्छा बुला ला, एक बार फिर से आकर ठीक से देख जाए। 3-4 दिन बाद अच्छे होकर नीलांबर चंडी मंडप में बैठे थे, तब एक मोती मॉडल आकर रोने लगा, दादा ठाकुर चलकर एक बार अगर तुमने नहीं देखा तो मेरा छीमंत अब नहीं बचेगा, एक बार अगर पैरों की धुली दे दो देवता, शायद वो उठकर खड़ा हो जाए। इसके आगे वो कुछ नहीं कह सका, घबराकर रोने लगा। नीलांबर ने पूछा, बदन में क्या बहुत ताने निकल आए हैं? मोती ने आंसू पोंछते हुए कहा, क्या बताऊं, माता जैसे बिल्कुल मर गई हैं, नीची जाति में पैदा हुआ हूं बाबा, कुछ भी तो नहीं जानता कि क्या किया जाता है, जरा चलिए ना, कहकर उसने दोनों पैर पकड़ लिए। नीलांबर ने धीरे से पांव छुड़ाकर नरम स्वर में कहा, चिंता की कोई बात नहीं है तो चल, मैं बाद में आऊंगा। उसके रोने गिड़गिड़ाने के कारण नीलांबर अपनी अवस्था की बात नहीं कह सका। हर तरह के रोगियों की सेवा करके इस मामले में वो इतना दक्ष हो गया था कि पास पड़ोस के गाँव में भी अगर कोई किसी को कठिन रोग हो जाता तो उसे एक बार दिखलाकर उसके मुंह से सांत्वना और आश्वासन की बात एक बार सुने बिना रोगी के आत्मीय स्वजनों को किसी तरह चैन नहीं पड़ता था। नीलांबर भी ये जानता था, उसे मालूम था कि वहाँ के अनपढ़ और गंवार लोग डॉक्टर वैद्य की दवा की अपेक्षा उसके पाँव की धुली और मंत्र पढ़कर हाथ से दिए जाए पानी में कहीं अधिक श्रद्धा रखते हैं, इसीलिए वो कभी किसी को निराश नहीं करता था। एक बार फिर रोते हुए उसने पाँव की धुली देने की प्रार्थना की। मोती मॉडल आँखें पोंछता हुआ चला गया। नीलांबर बेचैन होकर सोचने लगा, अब भी उसे कुछ कमजोरी थी, सोचने लगा कि बाहर कैसे निकले, विराज से बहुत डरता था, कैसे उससे ये बात कहे। ठीक इसी समय अंदर के आंगन से हरिमती ने जोर से पुकारा, दादा भाभी अंदर आकर सोने के लिए कह रही हैं। नीलांबर ने कोई उत्तर नहीं दिया। थोड़ी ही देर के बाद में हरिमती ने पास आकर कहा, दादा तुम्हें सुनाई नहीं पड़ा क्या? नीलांबर ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं। हरिमती ने कहा, जब से थोड़ा सा खाया है तब से यहीं बैठे हो, भाभी कहती हैं बैठने की कोई ज़रूरत नहीं, चलकर ज़रा सा सो लो। नीलांबर ने धीरे से पूछा, पूटी तेरी भाभी क्या कर रही है? हरिमती ने कहा, तुरंत ही भोजन करने बैठी हैं। नीलांबर ने दुलारते हुए कहा, मेरी अच्छी सी बहन, एक काम करेगी? हरिमती ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। नीलांबर ने और भी कोमल स्वर में कहा, जाकर चुपके से मेरी चादर और छाता तो उठा ला। चादर और छाता? नीलांबर ने कहा, हाँ। हरिमती ने आंखें फैलाकर कहा, ना बाबा, ठीक इधर ही मुंह करके भाभी खाने बैठी हैं। नीलांबर ने अंतिम चेष्टा करते हुए कहा, तो नहीं ला सकेगी? हरिमती ने मुंह फैलाकर 2-3 बार सिर हिलाकर कहा, ना दादा भाभी देख लेंगी, तुम चलकर लेटो। उस वक्त दिन के 2 बज रहे थे, तेज धूप के कारण बिना छाते के बाहर निकलने का साहस नहीं हुआ, इसलिए हताश होकर बहन का हाथ पकड़े वो अंदर आकर लेट गया। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करते हुए हरिमती सो गई। नीलांबर चुपचाप यही सोचता रहा कि कैसे ये बात कहूँ कि विराज का मन पसीज जाए। दिन करीब करीब ढल चुका था। विराज अपने घर के चिकने और सीमेंट के फर्श पर पड़ी हुई अपनी छाती के नीचे एक तकिया दबाए थी और तन्मय होकर अपने मामा मामी को वो 4 पेज का लंबा पत्र लिख रही थी कि इस साल कैसे गांव में शीतला माता का प्रकोप हुआ और कैसे केवल उसी का घर मौत से बच सका है और कैसे उसके मांग का सिंदूर और हाथ की चूड़ियां बच सकी। ये लंबी कहानी लिखने में ख़त्म ही नहीं होती थी। तभी लेटे लेटे सहसा नीलांबर ने पुकार कर कहा, मेरी एक बात मानोगी विराज?
दवात में कलम रखकर विराज ने सिर उठाकर पूछा, मानने लायक होगी तो मानूंगी ही, कहो क्या बात है? नीलांबर ने क्षण भर सोचकर कहा, कहने से कोई लाभ नहीं विराज, तुम मेरी बात मानोगी नहीं। विराज ने कुछ नहीं कहा, कलम लेकर चिट्ठी समाप्त करने के लिए फिर झुक गई, किंतु लिखने में तबीयत नहीं लगी। अंदर ही अंदर उत्सुकता बढ़ती गई, वो उठकर बैठ गई और बोली, अच्छा बताओ, मानूंगी। नीलांबर ने मुस्कुराते हुए और कुछ हिचकते हुए कहा, आज दोपहर को मोती आया था और मेरे पांव पकड़कर रोने लगा। उसका विश्वास है कि उसके घर में जब तक मेरी पद्धूली नहीं पड़ेगी तब तक उसका छीमंत बच नहीं सकेगा। एक बार मुझे जाना ही पड़ेगा। विराज उसका मुंह देखती रह गई। थोड़ी देर बाद बोली, ये रोगी शरीर लेकर जाओगे? क्या करूं विराज, वादा कर चुका हूं, एक बार मुझे जाना ही होगा। वादा क्यों किया? नीलांबर चुप रही। विराज ने रुखाई से कहा, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी जिंदगी बस तुम्हारे ही लिए है और किसी को बोलने का हक नहीं है उसमें? तुम्हारी जो मर्जी होगी वही करोगे? बात आगे बढ़ाने के लिए नीलांबर ने हंसने की कोशिश की, परंतु पत्नी का रुख देखकर हंस न सका। किसी तरह बोला, उसका रोना देखकर। विराज ने बात काटकर कहा, ठीक ही तो है, उसका रोना तो तुमने देखा, किंतु मेरा रोना देखने वाला इस संसार में कोई नहीं है। कहकर उसने चार पेज की लंबी चिट्ठी को टुकड़े टुकड़े करते हुए कहा, उफ, ये मर्द भी कैसे होते हैं, बिना खाए पिए चार दिन और चार रातें गुजार दी, उसी का ये बदला मिल रहा है। घर घर बुखार और शीतला फैली है और ये कमज़ोर और रुग्ण शरीर लेकर रोगी देखने और छुएंगे। अच्छा जाओ, मेरे भी भगवान हैं, कहकर फिर छाती के नीचे तकिया दबाकर वो पड़ी रही। नीलांबर के होठों पर एक मंद दबी सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, तुम स्त्रियों का क्या ठिकाना जो हर बात में भगवान की ही दुहाई दिया करती हो। विराज जल्दी से उठ बैठी और गुस्से से बोली, नहीं, भगवान पर तो केवल तुम्हारा ही विश्वास है, हम लोग नहीं। हम कीर्तन नहीं करती, तुलसी की माला नहीं पहनती और मुर्दे जलाने नहीं जाती, इसीलिए भगवान हम लोगों के नहीं हैं, बस तुम ही लोगों के हैं। विराज का गुस्सा देखकर नीलांबर को हंसी आ गई। कहा, गुस्सा मत करो विराज, सचमुच ऐसी ही बात है, केवल तुम ही ऐसा नहीं हो, सभी हैं। भगवान पर विश्वास करने के लिए जितनी शक्ति होनी चाहिए उतनी शक्ति स्त्रियों में नहीं होती, फिर इसमें तुम्हारी गलती ही क्या है? विराज ने झल्लाकर कहा, नहीं, गलती नहीं, स्त्रियों का तो ये गुण है, किंतु अगर शरीर को शक्ति ही इतनी ही आवश्यकता है तो शेर और भालू के शरीर में तो कहीं ज़्यादा शक्ति होती है। परंतु लाख कोशिश करो पर ये रोगी शरीर लेकर मैं तुम्हें बाहर नहीं निकलने दे सकती। नीलांबर चुपचाप लेट गया। विराज भी थोड़ी देर तक चुपचाप पड़ी रहने के बाद ये कहकर कि शाम हो गई, चलूँ, उठ खड़ी हुई। करीब एक घंटे बाद चिराग बत्ती करके अंदर आई तो देखा कि स्वामी पलंग पर नहीं है। तुरंत ही पूटी को आवाज़ दी, पूटी, ओ पूटी, तेरे दादा कहाँ गए, ज़रा बाहर देख तो। पूटी दौड़ पड़ी। चार पाँच मिनट बाद वो हाँफती हुई आई और बोली, कहीं नहीं है, नदिया के किनारे भी नहीं। विराज ने गर्दन हिलाकर कहा और रसोई घर की चौखट पर गुमसुम बैठ गई।